आपके अपने YouTube चैनल अतुल्य भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जो हम आपको लेकर आए हैं वो एक ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जो कि अत्यंत प्राचीन गुफा है और श्रृंगी ऋषि नामक स्थान ये है जो है यहाँ पर बसा हुआ है। और यहाँ की प्राचीन मान्यता है कि यहाँ पर जो है भगवान श्रृंगी जो है अपनी तपस्या को पूर्ण करने के लिए जो है इस स्थान पर आए थे। और यहाँ पर जो है इस गुफा में उन्होंने बहुत सारे वर्षों तक तपस्या की और उसके पश्चात जो है वो एक तपस्या करने के बाद वापस दूसरे स्थान पर चले गए थे। और यदि इस स्थान की बात हम करें तो ये स्थान जो है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है और नाहन से तकरीबन जो है 55 या 60 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये मंदिर बना हुआ है। तो आइए आज हम आपको इस मंदिर की यात्रा करवाते हैं। जहाँ से ये गुफा शुरू होती है ये उसका प्रमुख गेट आप देख सकते हैं। चलिए यात्रा करते हैं इस गुफा की और देखते हैं कि ये गुफा कहाँ तक अंदर जो है गहराई में है। और तकरीबन लोगों का मानना है कि ये जो गुफा है तकरीबन 50 से 60 फुट गहराई तक बनी हुई है। तो आइए इस गुफा को हम देखते हैं। फ्रेंड्स, ये भगवान बजरंगबली की मूर्त आप यहाँ पर जरूर देख सकते हैं। विशाल का एक मूर्ति मान यहाँ पर भगवान बजरंगबली जो है यहाँ पर विराजमान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान शिव शंकर जो है विराजमान है अपने शिवलिंग रूप में जो है यहाँ पर विराजित है। और यहाँ पर बहुत सारी आकृतियां आपको देखने को मिलेगी। जो प्रमुख इसमें गुफा द्वार है जो थोड़ा सा मुश्किल है, झुककर अंदर आना पड़ता है। और आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल ये जरूर है, लेकिन आपको आने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो सकती है, लेकिन अंदर जो है इस गुफा का जो है मुहाना थोड़ा सा खुल जाता है और आप जो है इस गुफा को अंदर से देखेंगे तो ये गुफा जो है अंदर थोड़ी बड़ी हो जाती है। आप यहाँ देखिए किस तरह से जो है अंदर से कितनी विशाल काय है। और ये देखिए ये ऊपर जाके जो है ये गुफा थोड़ी खुल जाती है और यहाँ से जो है नीचे का रास्ता शुरू होता है। और इस तरह से जो है आप यहाँ से जो है नीचे जाकर जो है इसके तलहटी में जो नीचे जो कुंड बना हुआ है उस कुंड की तरफ आप नीचे जा सकते हैं। ये वो रास्ता है जहाँ से आप कुंड की तरफ जाएंगे। ये जो है ये तलहटी में जाकर जो है ये रास्ता काफी नीचे गहरा चला जाता है और तकरीबन जो है 60 फुट जो है ये गहरा एक गुफा है और जिसकी गहराई तकरीबन 60 फुट के आसपास जो इसकी गहराई आकी गई है। और यहाँ आप देखेंगे कि साथ साथ जो है आपको थोड़ी सी आवाज जो है पानी की भी सुनाई दे रही होगी। पानी जो है काफी तलहटी में जाकर जो है पानी आपको नीचे जाकर मिलेगा। और मान्यता है कि जो श्रृंगी ऋषि थे उन्होंने काफी तलहटी में जाकर जो है नीचे इसमें एक कुआं है वहां पर जो उन्होंने तपस्या की थी और उसके बाद जो है वो यहाँ पर कईयों वर्षों तक रहे तपस्या में और फिर वो अपने जो गंतव्य स्थल थे उसकी तरफ निकल गए। तो आइए देखते हैं कि इसके जो निचला जो जहां पर ये कुंड जो है नीचे बना हुआ है हम उसकी तरफ जाने का एक प्रयास करेंगे। तो मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो लगातार जो है फुटेज बनाते रहें ताकि कोई भी जो है एक भी मोमेंट आपसे छूटे ना। तो जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था कि थोड़ा रास्ता जो है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ जो है लाइट लगभग यहाँ पर खत्म हो चुकी है और अब हम जो है इस टॉर्च की मदद से जो हमने टॉर्च ली थी इसकी मदद से हम यहाँ से आगे का रास्ता तय करेंगे। ये जो है गुफा के अंदर आप देख सकते हैं कि एक गुफा नीचे से जो है कितनी विशाल काय हो जाती है और पीछे तक आप देख रहे होंगे कि आगे जाके जो है पानी का सोर्स भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। आगे जाके जो है ये पानी जो है नीचे की तरफ बहता हुआ निकल रहा है और मैं आपको जो है ये यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि ये पानी जो है कहाँ से निकल कर जो है नीचे की ओर आ रहा है। तो ये आप यहाँ जरूर देख सकते हैं।
ये देखिए काफी अंदर जाकर जो है यहाँ पर जो इस गुफा में हम पहुंच चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको दिख भी रहा है वीडियो में, मोर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मोर नुमा आकृति है। और यहाँ पर जो है नगाड़े जो है लिखा हुआ है। प्राचीन मान्यता है कि ढोल नगाड़े जो है इसमें आपको जरूर ये जो है यहाँ देखने को मिलेगा। ये देखिए ढोल नगाड़े लिखा हुआ है, एरो के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह से जो है ये आकृतियाँ बनी हुई हैं। और ये देखिए ये वो मोर है जो यहाँ के लोगों की मान्यता है कि ये मोर नुमा एक आकृति बनी है इस गुफा के अंदर। तो मैं यहाँ पर आपको और एक चीज और दिखाना चाहूँगा। ये देखिए पताल लिंग दिखा, आप देख सकते हैं लिखा हुआ पताल लिंग जो है लिखा हुआ है यहाँ पर। ये आप शिवलिंग यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये शिवलिंग बनी हुई है। ये देखिए शेषनाग जो है यहाँ पर विराजित है, आप देख सकते हैं। और इस तरह से जो ये पानी है, ये पानी की धार जो है कुछ इस जगह से जो निकलती हुई सुनाई हमें दे रही है। तो ये पानी जो है बिल्कुल अंदर ही अंदर जो है चट्टानों से निकलता हुआ। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी आकृतियाँ आपको देखने को मिलेगी जो कि इस गुफा के अंदर है। ये देखिए ये वो जगह है जहाँ पर जो है भगवान श्रृंगी ने जो है तपस्या की थी, और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारा अपना समय जो है व्यतीत किया था। ये वो पानी है जहाँ से ये पानी जो है निकलकर बाहर की ओर बह रहा है। तो हम तकरीबन 50 से 60 फुट गहराई में इस गुफा में आ चुके हैं। और ये देखिए ये वो मंदिर है जो कि भगवान श्रृंगी के नाम से बनाया गया है। ये देखिए ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्रृंगी ने जो है तपस्या की थी, और इसे जो है एक चिन्ह के रूप में जो है यहाँ पर बनाया गया है। और ये वो कुंड है जिस कुंड से जो है पानी लिया जाता था श्रृंगी ऋषि के द्वारा, और यही वो स्थान है जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। ये देखिए इसमें आपको बहुत सारे कॉइन्स और चावल के दाने आपको जरूर दिखाई दे रहे होंगे। ऐसी लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है और अपनी मनोकामना करता है तो भगवान श्रृंगी जो है उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये देखिए ये जो गुफा है वो कितनी विशालकाय है, ये आप तकरीबन इस वीडियो के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर तरह तरह की आकृतियाँ बनी हुई हैं इन चट्टानों में, और ऊपर की तरफ देखें तो ये बहुत ही विशालकाय एक गुफा है जिसका जो मुहाना है, जो इसका शुरुआती जो इसका मुख है इस गुफा का, वो थोड़ा कठिन सा है, लेकिन अंदर जाकर जो है ये गुफा बिल्कुल खुल जाती है। तो ये देखिए ये वो गुफा है। आज हमने आपको एक ऐसी गुफा के दर्शन करवाए इस वीडियो के माध्यम से जो कि अत्यंत प्राचीन है। और इतिहास की यदि बात करें तो ये गुफा जो है भगवान श्रृंगी ऋषि, जिनका इतिहास में आपको वर्णन मिलता है, पुरातन आप कोई भी ग्रंथ उठाकर देख लीजिए उसमें आपको भगवान श्रृंगी ऋषि के बारे में जो है आपको उसमें वर्णन मिलेगा। तो ये जो स्थान है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है लाना चब्यूल नामक स्थान पे ये गुफा बनी हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और इससे आगे की वीडियोस भी हम आकर लेकर आएंगे। तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तुल्य भारत चैनल को, और रोचक वीडियोस इसी तरह की हम आपको आपके लिए और लेकर आएंगे।
तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि भविष्य में हम और ज्यादा इस तरह की ऐतिहासिक वीडियोस और इस तरह की अद्भुत अविश्वसनीय और कल्पना से परे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। तो आज की लगभग हमारी ये यात्रा जो है यहाँ पर लगभग खत्म हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि ये जो गुफा है ये बहुत ज्यादा प्राचीन है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, दर्शन योग्य, यानी दर्शन योग्य जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी दर्शन के योग्य है ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी आकृतियां आपको जरूर दिखाई देगी। और इस मंदिर के अंदर जो है कुछ जीव भी है, जैसे चमगादड़ और अन्य जीव भी इसमें मौजूद रहते हैं। ये जो गुफा है वो बहुत ही थोड़ी फिसलन भरी है, और आपको जो है थोड़ा आराम से जो है इस